नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ सोनिया। इस समय तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ जो सिरसा के बरनाला रोड पर बिल्कुल एसपी ऑफिस के आगे आप देख रहे हैं कि धरना लगा हुआ है। लगातार चौथा दिन है जो यहाँ पर बलदेव सिंह सिरसा भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उसी के चलते उनका स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा बिगड़ना भी शुरू हो चुका है। उनका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है और ECG वगैरह भी करवाई गई थी, हालांकि उनके वेट में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, जिसके चलते लगातार यहाँ पर उनके स्वास्थ्य की जाँच भी की जाती है। और यहाँ पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम CMO खुद यहाँ पर पहुँचे थे और स्वास्थ्य की जांच करने के लिए। वहीं आपको ये भी बता दूं कि आज चौथा दिन है। 79 साल के 79 ईयर्स के बलदेव सिंह सिरसा हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे अपने किसान साथियों की रिहाई की मांग को लेकर। वहीं जानने की कोशिश करते हैं कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 2 घंटे जो हाईवे व टोल जाम करने की बात कही गई थी, पंजवाना लंगर पिछले काफ़ी समय से लगातार चलता आ रहा है, वहाँ पर एक जाम लगाने की बात कही गई थी। भावदीन टोल प्लाजा और खुइया मलकाना टोल प्लाजा पर भी आज 2 घंटे का जाम लगाया गया 9 से 11 का। उसके बाद जो किसान अब वो जाम खोलने के बाद यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं, काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन की बात करूँ, यहाँ पर पुलिस प्रशासन काफ़ी संख्या में मौजूद है। SDM सभी यहाँ पर मौजूद थे। आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है और किसान बिल्कुल आमने सामने इसी तरह से पिछले 4-5 दिन से लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। बलदेव सिंह सिरसा जी की बात करूँ, उनकी तबीयत में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आनी शुरू हो चुकी है। वहीं जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से प्रशासन जब तक नहीं मानता या किसानों की रिहाई नहीं करता तो किसानों का आगे क्या रहेगा। जिन्हें गल करिए कि किसान पर रिहाई की मांग को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं, पर हले तक सरकार इस बारे कोई भी गलबात करने तैयार नहीं है। लगातार बलदेव सिंह सिरसा जी चौथा दिन है हड़ताल से सेहत भी गिनी शुरू हो चुकी है। देखो जी, सारा इल्जाम तो सरकार ते आ जां साढ़े प्रशासन ते, ना साड़ी प्रशासन सुनता इत्थे। कल संयुक्त मोर्चा सरसे वाली टीम गई सी, दिल्ली वाले भी गए सी, उत्तों SP ने होर कहता भी जे कुछ इन्हों हो गया परचा ताड़े ते पावांगे। इन्हों कह लगे नहीं शर्म आती, साडा किसान भुख हड़ताल ते बैठा 4 दिन हो गए, उन्हां दा पता लैण दी बजाए उल्टा सानू कह रहे हैं भी परचे ताड़े ते पावांगे। परचे पाओ मोदी ते, परचे पाओ खट्टर ते, तोमर ते, साढ़े तो परचे कहते पाते जी। साढ़े तो किसान साढ़े 4 दिन हो गए, रिपोर्टा सानू 2 दिन दियाँ मिलिया। तुसी आप सोचो प्रशासन की करता, ये उन्होंने सारे गोले आ, डॉक्टर भी उन्होंने आ, सारा कुछ उन्होंने, साड़ी कोई सुनवाई नहीं आती। जिन्ना चिर साढ़े बच्चे बाहर नहीं आते, साढ़े बापू ने भी कहता जिन्ना चिर बच्चे बाहर नहीं आते मैं जाते मरांगा तो जा साढ़े बच्चे बाहर आ। देखो जी, अज टोल प्लाजे बंद किए 9 बजे तो 11 बजे तक। इन्हों कल ही कहता सी अगर मन मंगा साड़ियाँ मानते ठीक आ, नहीं तो पंजाब राजस्थान के आपकी कॉल करा सदा देंगे, फिर इन्हों पता लगेगा भी किसान साढ़े किवें साढ़े नाल जुड़ते। ये तो ही गल होगी जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन्ह की सरकार आ और ये जो चाहन कर सकते हैं उही इन्होंने किया भी, जदों कोई पत्थर मारदा नज़र नहीं आ रहा, इन्हां दे ही बंदे आ रहे। BJP दे बंदे जिहड़े विच फिट कीते हुए आ उन्होंने सारा षड्यंत्र किया। हुण भी सानू SP साहब रात भी कह रहे सी, साडे जिहड़े अंदर बंदे गए उन्होंने कह रहे सी भी जे इन्हां नूं कुछ हो गया तो ताड़े ते परचा होना। साडे ते परचा करन दी बजाए ये उस खट्टर ते दुष्यंत चौटाले ते BJP दे वड्डे लीडर जिवें मोदी हो गया, अमित शाह हो गया, उन्होंने परचा होना चाहिए है। बलदेव सिंह जी सरसा जिहड़े ने वो अज चौथा दिन हो गया है, एक तिल तिल मरन वास्ते बैठे आ। कादे वास्ते बैठे आ? किसानी बचाउण वास्ते। और किसानी बचाउण नूं एक तां शहीद हो जाना, जिदा 400 तो वध साडे उत्थे शहीद हो गया, वो गल अलग है, पर जिहड़ा एक भुख नाल तिल तिल मरना आ वह बहुत औखा आ। ये प्रशासन को खमियाजा भुगतना पैना इस गल का। अगर बलदेव सिंह सरसा नूं कुछ हुंदा तो अंदोलन होर तिखा रूप लवेगा। तो वहीं आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से बलदेव सिंह सिरसा की तबीयत बिगड़नी शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के लोग यहां पर पहुंचे हैं उनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए, पर लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, पर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। आज चौथा दिन है उनको भूख हड़ताल पर। इस समय भी आप देखेंगे कि काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार उन 5 लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं जिनको देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उसी चीज़ को लेकर के ये धरना पिछले 5 दिन से यहाँ से चल रहा है और अभी भी किसान आगुओं का कहना है कि ये
सरकार के ऊपर पूरी की पूरी बात जाएगी, जबकि प्रशासन द्वारा इनको बातचीत के लिए बुलाया जाता है, पर उल्टा इन्हीं को 302 के पर्चे डालने की धमकी भी दी जाती है। उसी के चलते बात करते हैं प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा से और जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। कल हमारी बात हुई थी तीसरे दौर की प्रशासन के साथ, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, वो गोल मोल बात करते रहे और उसमें उन्होंने ये कहा कि आप जो अनशन पर बैठे हैं बलदेव सिंह सिरसा उनको उठा दीजिए, आप रोड खोल दीजिए। हमने कहा आप हमसे बात करो, हमारे किसान साथियों को रिहा करना, उसकी ये चीज़ क्या करना नहीं करना वो फैसला हम करेंगे। हम यहाँ कोई रैली करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम SP ऑफिस आ रहे हैं और आप लोगों ने ये बैरिकेड लगा के रास्ते जाम कर रखे। हमने जाम नहीं किया रोड, आप बैरिकेड खोलिए, हम अंदर जाके बैठना चाहते हैं, SP ऑफिस के आगे आना चाहते हैं, उसके ऊपर वो चुप थे। असल में यहाँ पे हमारे जो साथी बैठे हैं बलदेव सिंह जी सिरसा जो बहुत ही सीनियर लीडर हैं, इनकी तबीयत भी अभी थोड़ी डाउन होने लगी है, शुगर लेवल इनका डाउन हो गया, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया इनको, वेट भी इनका कम हो गया, कमजोरी बहुत ज़्यादा आ गई है, अब ये उठ के चल भी नहीं सकते हैं। इसको लेके कल जब बात हो रही तो SPO प्रशासन है वो ये भी कह रहे थे कि ये जो अनशन पे बैठे हैं तो आप पे 302 लगेगी। अब बलदेव सिंह सिरसा ने कहा है कि ये 302 है वो लगेगी यहाँ के SP और DC के ऊपर, क्योंकि उसके दरवाजे के आगे बैठे हैं और वो अपनी इच्छा से बैठे हैं। उन्होंने खुद ये बयान दिया है कि मैं अपनी इच्छा से और अपनी मर्जी से बैठा हूँ, मेरा खुद का फैसला है और जब तक हमारे साथी रिहा नहीं होंगे तब तक मैं अन्न का दाना ग्रहण नहीं करूँगा, इसके लिए चाहे मुझे अपने प्राण ही त्याग क्यों ना त्यागने पड़े। और आज फिर जब बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला तब हमने कॉल दिया था, एक छोटी कॉल दी है सिर्फ सिरसा के अंदर जो दो टोल प्लाजे हैं उनको 2 घंटे के लिए रोका गया है 9 बजे से 11 बजे, और एक पंजवाड़ा लंगर चलता है हमारा शुरू दिन से वहाँ पे भी रोड जाम किया गया, जो नेशनल रोड है वो सारा 11 बजे तक जाम होके अब सारे साथी यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। 24 तारीख को रणवीर गंगवा का घर का घेराव का कॉल निसार के हमारे साथियों ने दे दिया है। कल जो है 22 तारीख है वो महत्वपूर्ण दिन है, कल जो है पूरे देश के जो संयुक्त मोर्चे के लीडर हैं उनका संसद का जो है वो कूच है कल, क्योंकि मानसून सत्र शुरू हो जाएगा उसको लेके 200 लोग जो है किसान वहाँ पे जाएंगे, तो कल पहला दिन है तो हमारे संयुक्त मोर्चे के सारे लीडर उसमें व्यस्त हैं वहाँ जाएंगे, इसलिए कल का दिन हम डिले करेंगे। उसके बाद में फिर बड़ी कॉल यहाँ पे दी जाएगी, अगर इन्होंने हमारे साथियों को नहीं छोड़ा तो इनके लिए और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचे।